सप्ताह की 10 तारीख को फिर बंद रखा जाएगा। 2 तारीख का बंद भी व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर ही हुआ था, उसी के आधार पर भारी संख्या आई थी। संभावना है कि 10 तारीख को भी इसी तरह का कुछ हो। हमको बराबर शांति बनाए रखनी है। अपन कमिंग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि शहर के अंदर कोई ऐसी इवेंट या ऐसा कोई घटक अफवाह किसी तरीके की हो सकती है, फैलाने वाले कई ऐसे लोग शहर में पूरे जिले में बनाए रखा गया है, आप सभी बता रहे हैं। और रिक्वेस्ट यही है कि दो तारीख को भारत बंद के दौरान आप सभी ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके सभी के आभारी हैं। उसके बाद कुछ घटनाएं हुई जो कि सभी के लिए खेदजनक हैं, पर हर समाज में हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप सभी के सहयोग से समय रहते हम सभी ने स्थिति को कंट्रोल किया और अभी आप सभी के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में भी है। इस मीटिंग को बुलाने का मूल उद्देश्य ये है क्योंकि हर तरह के न्यूसेंस फैक्टर कुछ ना कुछ अपने हित के लिए सोशल मीडिया पे या और तरीके से भ्रम फैला के या झूठी अफवाहें फैला के एक मुद्दे को दूर देने की कोशिश करते हैं। तो हम आज इस मीटिंग में आगे 10 तारीख को और 14 तारीख को आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग की क्या विचार है उसके बारे में वो जानने की हम इस मीटिंग इसकी बुलाई है उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया करके सभी जैसे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी आए हैं, मंडी समिति के भी अध्यक्ष आए हैं और भी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हैं, सभी आए हैं। तो कृपया करके आप एक एक करके अपने विचार जो आगे जिस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे से कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने 10 को बंद करना है कुछ है, पर स्टिल व्हाट्सएप पे और पे इस तरह आगे फिर अपन उस हिसाब से कार्रवाई कर पाए। धन्यवाद। इस हिंदुस्तान के अंदर इसकी अपेक्षा किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। आगे भी हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है आगे इस तरह की घटना